डियर व्यूअर्स, आई एम एट मुल्तान नगर पार्क विच इज़ पार्ट ऑफ प्रवीण गंधेलवाल जी कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदनी चौक का. आई हैव विद मी मिस्टर खुराना. ही विल एक्सप्लेन हिज एम्बिशन एज अ वोटर फ्रॉम मुल्तान नगर फॉर बीजेपी. सर प्लीज़ एक्सप्लेन, आप क्या क्या एक्सपेक्ट करता है हमारा बीजेपी कैंडिडेट मिस्टर प्रवीण गंधेलवाल जी से? जो हमारी लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करें. हाँ. और नेशनल प्रॉब्लम्स तो मोदी जी सॉल्व कर ही रहे हैं. जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं. हाँ, 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 और हाँ, बहुत कुछ कर रहे हैं. ओके, वेरी गुड. तो उनके लिए तो हम हमेशा हैं ही वोटर. ओके, राइट. सो यू मेंशनड अबाउट मोदी. सो व्हाट यू फाइंड इन मोदीज very vision of India, very very successful initiative for the past 10 years. Can you enumerate a few of them? आपको बता सकता है? वर्ल्ड कहीं भी इंडियन जाते थे ना उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी. ओके. जब से मोदी जी आए हैं हम लोगों की रिस्पेक्ट है. Okay. हम लोगों को पूछते हैं लोग, पहले कोई भी पूछता नहीं था हमें. वेरी गुड, वेरी गुड. ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है. ओके, सो राइट, वेरी गुड. बीइंग एन इंडियन वी फील प्राउड नाउ. ओके, सो दैट मीन्स गुराना साहब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, उधर आपको एक्सपीरियंस हो गया है ऐसा. ओके, वेरी गुड. मेरे रिलेटिव्स भी फॉरेन में रहते हैं, वो लोग भी यही बोलते हैं. वेरी गुड. हम लोगों की रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है मोदी जी के आने के बाद. ओके, सो गुराना जी आपके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए. आप क्या करता है? आप व्हाट योर बिजनेस बेसिकली एंड अबाउट योर फैमिली एंड योर प्रोफेशन, प्लीज गिव मी बिट ऑफ. मेरा एयर कंडीशनिंग का बिजनेस था पहले, अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. वेरी गुड. और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. ओके, एज ए इन्वेस्टर. ओके, वेरी गुड. सो हाउ डू यू फाइंड द इकोनॉमी बीइंग इम्प्रूव्ड बाय our Nirmala Sitaraman led finance ministry and the policies of Modi? Can you tell bit your experience during the last 10 years? बहुत ज़्यादा investor friendly हैं. Very good. बहुत ज़्यादा अच्छी policies हैं. इससे अच्छी कोई भी नहीं हो सकती. Very good. एक peace बहुत है. हाँ, काम करने के लिए जो हमें चाहिए. Okay. Infrastructure चाहिए, infrastructure है. Money supply है. Okay, very good. तो easy loans हैं. हाँ, तो सब कुछ है जो चाहिए एक investor को, एक businessman को. तो growth ही growth है. बहुत अच्छा future है हमारे बच्चों के लिए. Okay. तो हमें मोदी जी को ही सपोर्ट करना चाहिए. ओके, फ्रॉम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फ्रॉम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया इज बिकमिंग नाउ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपके जैसे बिजनेसमैन, व्हाट ऑल द थिंग्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट कमिंग मोदी डिस्पेंसेशन? व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? टैक्सेस जो हैं स्टिमुलाइज होने चाहिए, कम होने चाहिए. GST कम होना चाहिए, इनकम टैक्स कम होना चाहिए. तो उस तरह के टैक्सेस को थोड़ा सा और इजी बनाना चाहिए. वेरी गुड. तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. ओके, वेरी गुड. और ग्रो करेंगे. और टैक्स भी ज़्यादा देंगे. ओके, वेरी गुड. ऑलरेडी दे रहे हैं. टैक्स कलेक्शन आपने देखी होगी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, तो इसको और इम्प्रूव हो जाएगा. ओके, एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, मोदी इज वेरी मच स्पेसिफिक ऑन इम्प्लीमेंटिंग लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. So how you are looking at the tectonic shift happening in technology and its impact on the society as a whole? बहुत अच्छा impact हो रहा है. जैसे UPI जो opposition था कहता था कभी आ ही नहीं सकती, यहाँ पर internet है ही नहीं. तो अब कोई भी छोटा भी vendor, small vendors भी use कर रहे हैं और वो इसको prefer कर रहे हैं. Okay. मेरी बेटी मैंगलोर में स्टडी करती है. ओह, वेरी गुड. तो मैं उसको कैश देता हूँ तो कैश लेती नहीं करी, वहाँ कैश चलता नहीं है मैंगलोर में, जो कि 5 लाख पॉपुलेशन की सिटी है. ओके. और वहाँ पे करी कैश नहीं चलता. Oh, सब right. UPI से पेमेंट लेते हैं. Okay. तो मैंने उसको लास्ट टाइम कैश दिया तो 6 महीने बाद वो आई वेकेशन पे, तो पूरा उसके पास कैश था. ओह माय गॉड. ओके, वेरी गुड. ये चला नहीं कैश. व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया. हां, बहुत मेरे लिए एक सरप्राइजिंग है. ओके, इट इज अ डिजिटल इंडिया इंपैक्ट इन द कंट्री. जो स्मॉल सिटीज हैं जहाँ पे एक्सपेक्ट करते थे कि ये बिल्कुल फेल होगा UPI, वहीं पे ही ये ज़्यादा सक्सेसफुल है. दिल्ली से या मुंबई से भी ज़्यादा सक्सेसफुल स्मॉल सिटीज में. ओके, वेरी गुड सर, वेरी गुड. और ये वर्ल्ड वाइड ही
ये चीज को प्रेस किया जा रहा है। वेरी गुड। सो आप आपका बेटी के बारे में बताया है, हमारा युव कार्यकर्ता मीन्स युवाओं को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलना है और उनको एजुकेशन भी ज़्यादा मिलना है, आपका ख्याल से क्या क्या गवर्नमेंट करना चाहता शुड डू एज पर यूर परसेप्शन? गवर्नमेंट ना स्टार्टअप को ज़्यादा करना चाहती है। वेरी गुड। आपको सर्विस नहीं करनी चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड बनो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। आप अगर एजुकेटेड हो तो आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो और हो भी रहे और बहुत सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। ओके, वेरी गुड। मिस्टर गुरानन जी रियली टच्ड अपॉन द मोदीज इन्फ्लुएंस अक्रॉस द ग्लोब एंड व्हाट ही डिड फॉर आवर इकोनॉमी एंड गोइंग फॉरवर्ड इंडिया विल बिकम द विश्व गुरु एंड इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंस ग्लोबली, दैट इज व्हाट व्हाट इज यूर पासिंग शॉट ऑन दैट सर? इट्स ट्रू, वी आर ऑलरेडी ऑन दैट पाथ and we will succeed. Okay, so आप ही बताइए, हम विश्व गुरु बनाएंगे, बताइए। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं मिस्टर गुराना जी फॉर टॉकिंग टू NFA पॉजिटिव टीवी। सेम थैंक यू सर। ये सीए साहब हैं।